कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्राओं एवं छात्रों का स्वागत है। आज हम श्यानता के विषय में जानेंगे, क्या होती है श्यानता। तो देखिए, जैसे हमने व्हाइट बोर्ड पर नोट कर रखा है, श्यानता प्रत्येक द्रव विभिन्न परतों के रूप में बहता है जिनके बीच आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करते हैं, जो इन परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गतियों का विरोध करते हैं। कोई भी द्रव है, कई परतें बनी हुई होती हैं उसके अंदर, तो एक परत ऊपर बह रही है, उसके नीचे एक, उसके नीचे, तो सही परतें एक दूसरे का आपस में विरोध करती हैं, गति का घर्षण बल बन जाता है। द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्यरत आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। कौन सा बल कहलाएगा? श्यान बल। जिन द्रवों में ये गुण बल पाया जाता है उन द्रवों को श्यान द्रव कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी? द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गतियों का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। यानी आपेक्षिक गतियां जो होती है उसका विरोध करने वाला गुण जो है वो श्यानता कहलाता है। अब देखिए, जैसे हमने दिखाया कि एक ये द्रव का बहने का प्रारूप है, ये पहली सतह पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, अलग अलग लेयर बनी हुई है, तो सबसे अधिक वेग जो होगा ऊपर की लेयर का होगा, उससे बाद उसका कम, उससे नीचे वाली का, उससे नीचे वाली का, उससे नीचे वाली का, आखिर में आके शून्य वेग होगा जो दृढ़ तल क्षैतिज तल से लगी हुई है। तो क्या होता है कि ये जो आपस में परते हैं एक दूसरे की गतियों को रोकती है, विरोध करती है, इसलिए ऊपर वाली सतह जो है तेज चल रही होगी, तेज गति से उसका वेग अधिकतम होगा। अब इसके कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण भी हैं, देखिए उससे पता लग जाएगा आपको। जैसे हम किसी बाल्टी में पानी भरे हुए उसको घास से इस तरीके से घुमा दें और फिर उस छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। पहले घूमेगा, वो शांत क्यों होता? श्यानता के गुण के कारण, क्योंकि उसकी परतों में पानी की जो लेयर बन रही है उनमें आपस में विरोध उत्पन्न हो जाता है, वो एक दूसरे को रोकने का प्रयास करती है, तो वो पानी शीघ्रता थोड़ी बहुत देर में घूमने के बाद शांत हो जाता है, यानी विरावस्था में आ जाता है। अब जैसे यदि तेल या ग्लिसरीन में ये क्रिया अपनाए तो वह पानी से शीघ्र विरावस्था में आता है, क्योंकि ग्लिसरीन और तेल में जो है उसकी परतों के बीच अधिक घर्षण बल लगता और वो अधिक श्यान होता, तो परतों के बीच अधिक स्पर्शीय घर्षण बल लगता है, अतः जल की तुलना में वो जल्दी शांत हो जाता है, विरामावस्था में आता है। एक उदाहरण है, वायु की तुलना में जल में दौड़ना अधिक कठिन होता, वायु की जो परतें होती हैं वो इतनी रुकावट नहीं डालती जितनी कि जल की डालती, जल में आप तैरेंगे तो उसमें आपको अधिक मेहनत लगानी पड़ेगी, जबकि वायु में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जल जो है वायु की अपेक्षा अधिक श्यान है। एक और उदाहरण, यदि हम एक जैसे बर्तनों में क्रम से जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन, शहद और कोल तार ले लें और समान ऊंचाई से क्षैतिज तल पर गिराएं, तो सबसे पहले कोल तार व्यवस्था में आता है, क्योंकि वो ज्यादा श्यान होगा। इसके बाद फिर क्रमशः शहद आएगा, फिर ग्लिसरीन आएगी, और उसके बाद सरसों का तेल आएगा, और उसके बाद तब जल आएगा। जल सबसे कम श्यान होता है, स्पष्ट है कि जल की श्यानता के कारण ही वो जल्दी, क्या नाम है, देर से विरावस्था में आता है, और कोल तार जो है वो सबसे पहले विरावस्था में आ जाता है। एक उदाहरण कच्चे अंडे का है, कच्चा अंडा और उबला हुआ अंडा अगर किसी चिकने समतल पर हम घुमाएं उसको, तो कच्चा अंडा जो है वो जल्दी विरावस्था में आ जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो तरल भरा हुआ है उसकी विभिन्न परतों के बीच में घर्षण बल पैदा होगा और वो उसको रोकने का प्रयास करेगा, जबकि उबला हुआ अंडा उसमें कोई तरल नहीं रहता, वो शुष्क हो जाता है और वो अधिक देर तक घूमता रहेगा। तो इस तरह के बहुत से अनेक उदाहरण हैं जिनको आप दैनिक जीवन में महसूस करते हैं।
आज के इस पीरियड में बस इतना ही, कल को कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।